हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। आज कैसा रहा बजट? कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो इसलिए मैंने कल कहा था कि ओवर हाइप्ड मत हो जाना, ओवर एक्साइटेड मत रहना। तो आप कल का वीडियो जाके दोबारा देखो तो आपको मिलेगा कि कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि लॉन्ग स्ट्रगल करने के लिए मना किया था, और बोला था कि आप कुछ एक रेंज दिया था कि उसको ब्रेक होने से ही ट्रेड करो। देखो, पूरा दिन उस रेंज में था तो ट्रेड नहीं बना। हाँ, हालांकि मैंने एक दो ट्रेड लिया था, वो प्रीएम्प्ट करके कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अराउंड 12 के आसपास एक लिया था और एक 2 बजे के आसपास लिया होगा। लेकिन एकदम मिनिमम क्वान्टिटी, आई वॉज जस्ट प्लेइंग नथिंग, जस्ट कि एकदम जस्ट थोड़ा बहुत क्वान्टिटी लेके उसमें लॉस हुआ तो ठीक है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं, है ना। 150-200 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं हुआ। और आप देखे होंगे, अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल या लॉन्ग स्ट्रगल करते तो एकदम ठीक 12 बजे आपका प्रीमियम ड्रास्टिकली कम हो गया, एकदम डिक्रीज हुआ आपका। पहले 9:15 से लेके 11 तक, ऑलमोस्ट 11:30 तक ऑलमोस्ट 40% डिके हो गया था, लेकिन 12 बजे 90% डिके हो गया ऑलमोस्ट। अब जाके एक बार ऑप्शन चार्ट देखो तो समझ में आएगा आपको। तो यही कहता हूँ कि आप लोग प्लान के साथ जाओ, खाली जो लोग बोले कुछ भी लॉन्ग स्ट्रेंग है लॉन्ग स्ट्रेटेजी के लिए, वैसे जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वैसे आज भी हुआ कि कुछ खास ऐसा हुआ नहीं मूवमेंट। तो इट्स नॉट लाइक दैट लोग बोलेंगे कि इंटरिम बजट था इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। अरे यार, इंटरिम बजट पहले भी था, पहले भी मूव हुआ, इंटरिम बजट में भी मूव होता है। यही सरकार तो ऑलमोस्ट आने वाला है, सबको पता है सर्टेन टाइप का, तो इंटरिम बजट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट फिर भी मूव नहीं हुआ क्योंकि लोग जब एक सबको पता है कि मूवमेंट होने वाला है तब नहीं होता। अगर कोई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखता मूवमेंट का तो शायद मूवमेंट हो जाता। जो भी हो, अभी आप लोग कल क्या कर सकते? देखो, अभी मैं कल के लिए बता रहा हूँ, आज का जो डे हाई और डे लो है, ठीक है, और कल इसका एक्सपायरी है सेंसेक्स का। सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, जो भी हो, जो भी ट्रेड करना है आपको, आज का जो डे हाई और डे लो है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो डे हाई क्रॉस कर सकता है, कल ही शायद क्रॉस करके जा सकता है, लेकिन निफ्टी मुझे नहीं लगता कल अगर डे हाई के पास निफ्टी जाके रुके देन मंडे को ब्रेक करे देन वहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता अपसाइड में। और सेंसेक्स में भी सेम, आपको अगर कल डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है, डाउन साइड ब्रेक करे देन आपका बड़ा मूव आ सकता है। और कल अगर फ्लैट ओपन या हल्का फुल्का गैप अप, गैप डाउन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा डीप गैप डाउन इन द सेंस कि आपका 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट निफ्टी में अगर गैप डाउन होता है तब थोड़ा सा नेगेटिव बायस हो जाएगा। और आज का लो अगर तोड़ा, सेंसेक्स हो या कुछ भी हो, फ्लैट ओपन करके तोड़ा, देन आप वहाँ पर खेल सकते हो और आपको 500-600 पॉइंट का सडन मूव मिल सकता है, मतलब आपको क्विक मूव मिल सकता है। और निफ्टी के केस में भी सेम है, बैंक निफ्टी के केस में भी सेम है। और अपसाइड में बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को तोड़ने में एक दिन होल्ड करे फिर तोड़े देन इट विल बी गुड। अगर कल के दिन ही तोड़ दे तो मैं ज़्यादा इसमें भरोसा नहीं करूँगा, और बैंक निफ्टी तो कल के दिन तोड़ सकता है। तो आप लोग ये ख्याल रखना कि अभी जो आज का जो डे हाई और डे लो, इसको मार्क कर लो। इसलिए मैंने कुछ आज कुछ है नहीं खास, तो उसका बस मार्क कर लो, देन आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। और देखो, बजट में खास कुछ था नहीं, मतलब ना कुछ खास था, ना मतलब कुछ नेगेटिव था, ना कुछ पॉजिटिव था। थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन आजकल क्या होता है बजट में, वो डायरेक्टली उसको जो प्रिंट आउट टाइप का सबको नहीं देते और सबके पास नहीं आते कि क्या क्या है, मतलब कैसा है जो पब्लिश होता है, वो अभी तक शायद नहीं हुआ होगा। तो जब तक क्लियरिटी आएगा उसके बाद शायद एक मूव आए। और 2 महीने बाद फिर से बजट है, 2-3 महीना बाद आई थिंक जुलाई में या फिर जून में होगा फिर से बजट है, तो उस टाइम पर फुल बजट होगा वो 1 ईयर के लिए। तो वही है। और अब देखो, कल ट्रेड करो, और आज अगर आपने ज़्यादा कुछ लूज़ कर दिए होंगे तो फिर कल आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज के दिन ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके, हाँ थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा मत लेके जाना कि पूरा आधा ही हो जाए। और ये भी कहा था कि वो ब्रेक करने से ही ट्रेड करना, अगर कल कोई मेरी बात को पूरा 100% माना होगा तो उसको ट्रेड मिला ही नहीं होगा, देन वो तो रिलैक्स, कैपिटल तो बचा है ना। वही सीन है, आपको बस कैपिटल बचा के रखना, देन जब अपॉर्चुनिटी आएगा तब क्यों नहीं करोगे आप, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और ख्याल रखना अपना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन की दबा के जाओ, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और कल का वीडियो तो शेयर कर ही दो दोस्तों के साथ कि देखो, मतलब
ऐसा भी कहा था किसी ने। हर लोग तो लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग शटल करके भी वीडियो बना रहे थे। तो जो भी हो आप इसको जितना हो सके शेयर करो, और ठीक है कि तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय, थैंक यू।